लाइट वाला काफी अच्छा है, नीचे भी गेट वाला स्लाइडिंग कवर, ट्रिपल डोर, ट्रिपल डोर कितना लंबा है, देखते हैं ट्रिपल डोर तो अंदर जाते धीरे धीरे, शोकेस लाइट वाला है ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने भाई को सपोर्ट करना गाइज। बिकॉज आपको सपोर्ट करते तो बहुत अच्छा लगता है, और बिना सपोर्ट का तो बहुत ही मुश्किल है आगे बढ़ना। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहो तो बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा गाइज। और इससे अभी तो फिलहाल रोज का ही ब्लॉग बन रहा है, बट आप लोग बस सपोर्ट करते रहो तो अलग अलग जगह जाके अलग अलग न्यू ब्लॉग बनाऊंगा मैं। बट आप लोग बस आप लोग सपोर्ट करो गाइज, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना, मतलब क्या ही गजब बोलो यार, क्या बोलो यार, आप समझ जाओ गाइज, आप सपोर्ट करो। तो आज तो सोच रहा हूँ बाहर जाके आज ब्लॉग बनाने का, बिकॉज आज बारिश वरिश तो हो नहीं रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो आज बाहर जाके ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो फिलहाल अकेले हूँ और टीचर से जाऊँगा मैं अपने दोस्त को पिक करूँगा, दोस्त को पिक करने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो अकेले ब्लॉग शूट नहीं कर सकता, बाइक पे तो चलाऊँगा या शूट करूँगा, तो जाऊँगा अपने दोस्त को पिक करूँगा, फिर मैं और मेरा फ्रेंड जाएँगे कहीं बाहर तो ज़्यादा इससे जाएंगे नहीं, अभी कोरोना का समय है, कोविड से बाहर नहीं जाएंगे, अपने ही एरिया में घूमेंगे जाएंगे। अभी तो थोड़ा टाइम बाद जाएंगे। तो राइडर बाइक चला रहा है, जब रहता है तो वही बाइक चलाता, मैं तो चलाता नहीं हूँ, जाते अपने अड्डे पर जहाँ हम लोग हमेशा जाके चाय पीते हैं। हेलो गाइस, हमेशा मैं जहाँ चाय पीते हैं जगह पर तो हम लोग पहुँच गए। इससे बाइक फास्ट चला रहा था, इसकी वजह से मेरा ब्लूटूथ गिर गया, तो अभी मैंने उसका ब्लूटूथ निकाल कर अपने केस में डाल दिया हूँ, केस में मतलब ब्लूटूथ का केस में, मेरा बाल में नहीं। जाते अभी चाय पीते हैं। अपना चाय आ गया, तो चाय पीते हैं और निकलते हैं थोड़ा टाइम इधर से। हम लोग तो इधर सिर्फ चाय पीने आते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, चाय पियेंगे फिर निकलेंगे फिर जाते हैं आगे अपने, काफ़ी मज़ा आएगा वैसे। इधर हम लोग चाय पी रहे थे मैं संदीप भाई से, तो मुझे इधर का फर्नीचर काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फर्नीचर में टेबल है, कुर्सी है और काफ़ी तरह का मंदिर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा इनका ब्लॉग बनाता हूँ, तो भाई उनसे बोला तो उनका परमिशन मिल गया है, बना सकते हैं। तो इससे दुकान का बोर्ड तो नहीं लगा है, बट दुकान का नाम है रॉयल फर्नीचर। तो चलते हैं और देखते हैं अंदर का सब सामान, और आप लोग को एड्रेस मैं लिंक में दे दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा, फिर जिसको भी जो भी चाहिए वो मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, या आप लोग को मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चाहिएगा तो बोलना। चलो देखते हैं अभी, तब तक तो चलिए भैया जी दिखाइए कुछ। अरे आपका दुकान आप नहीं जाएगा कैसे चलेगा। तो रॉयल फर्नीचर काफ़ी वैसे अट्रैक्टिव दिख रहा है, बड़े वाले पहले ये छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, बड़े में जाएंगे। वैसे भैया जी का दो दो दुकान है, एक ये है एक बाजू वाला है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएंगे। तो अंदर देखते हैं भैया जी का नाम और जानते हैं। मेरा का नाम क्या है? अरबाज। और दुकान का नाम? रॉयल फर्नीचर। भाई रॉयल फर्नीचर, उसे मैं बोला था, बोर्ड नहीं लगा है बट रॉयल फर्नीचर नाम है, अंदर लगा है, तो बाजू वाले दुकान में लगा है, तो ये भी उनका ही दुकान है, बाजू वाला भी उनका है। तो स्टार्टिंग इधर से करेंगे, देखते हैं इधर का स्टार्टिंग करते ये चेयर से। तो भैया जी चेयर से कितने का है? 700 का सिंगल पीस। हाँ उससे काफ़ी अच्छा है। तो इधर चेयर तो देख लिए, लाइन से चेयर ही है, और मंदिर है, छोटा सा मंदिर, वाह 580 रुपया। 580, हाँ इस पर प्राइस भी लिखा है वैसे, प्राइस हर एक पे लिखा है। हाँ और इसे क्या है? टेबल, ये टेबल है 6 फीट बांगड़ी, छः फीट गांगड़ी। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस
साढ़े छः हजार। और ये इसमें सेल भी रहता है? सेल भी है और इसमें दरवाजे भी है। हाँ ये पूरा कॉम्बो है ना, पूरा सेट ही है ना। हाँ वाह, ये सब मंदिर भी काफी अच्छा है वैसे यार। मैं तो ऐसे बैचलर रहता हूँ, नहीं तो लेके जाता मैं, बट बैचलर रहता हूँ ऐसे। ये मंदिर दरवाजे वाला है, दरवाजा भी इसका लॉक होता है। वाह, ये अगरबत्तियाँ छोटा छोटा रखने के लिए। हाँ बाकी ये भी नहीं करता है ऐसा, नहीं अगरबत्ती का कैंडल विंडल सब रखने के लिए। वाह, ये स्टील पेपर का है, बाकी अंदर लकड़ा रहता है। स्टील पेपर? स्टील पेपर रहता है। तो क्वालिटी काफी अच्छा दिख रहा है वैसे। हाँ और सामने लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी का फोटो भी है। वाह, तो आगे चलते हैं। से मंदिर गणपति बप्पा मोरया, ये कितने का प्राइस होगा इसका? ये भाई 1900 का है। ये वाला 1900 का, वैसे काफी अच्छा है वैसे ये भी। और ये भी तो वही है ना, शोकेस का ही है ये भी। ये 4 फीट है, ये 4 फीट यहाँ से आ सकते। वो तो इसका क्या रेट होगा? इसका रेट 4000 है। 4000 तो इसी तो मंदिर है पूरा। ये भी ये मंदिर है जो ये साग का मंदिर है, इसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। बाकी एक मंदिर आता जो वो चालू वाला रहता है। हाँ चालू लकड़ा रहता है। हाँ वो अच्छा नहीं रहता है, देखा हूँ मैं बहुत बहुत जगह ऐसे देखा हूँ। ये वाला बड़ा वाला मंदिर कितने का? वाओ, ये 4000 का है बड़ा वाला। क्या वाली सीढ़ी भी है, काफी अच्छा वैसे। और सबसे अच्छा मंदिर, सबसे ये वाला सबसे मस्त, सबसे मस्त, सबसे ज्यादा चलने वाला। हाँ। वो ये इसका 7000 रेट है। 7000 वैसे। दुकान का एड्रेस मैं तो लिंक में डाल दूंगा, भैया का नंबर भी डाल दूंगा, किसको भी चाहिए होगा तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वैसे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कम होता है। हाँ कम होगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा सा, उसका उसका टेंशन नहीं। बता आप कॉन्टेक्ट करो जिसको भी, जो भी चाहिए। काफी आइटम है, उससे गद्दा गद्दा भी है। वैसे गद्दे का क्या प्राइस होगा उसका? वो गद्दे का भाई 1500 है। हाँ 1700 1900। एक टेबल, ये एडजस्टेबल। वाओ एडजस्टेबल, तो एक टेबल अच्छा लगा है। इसका रेट क्या होगा इसे? ये वाला मुझे अच्छा लगा इसे। ये भाई साग का लकड़ा है। कितने का इसे? ये 2000 का है। 2000 का इसे। सब टेबल में से मुझे तो यही वाला अच्छा लगा है, ये वाला और एक वाला। उसका रेट क्या होगा? इसका 900 रुपया। आगे इसके सामने डोर भी रहता है, इसमें डोर भी है। वाओ, इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस भाई 3000। 3000 और इसका, उसके बाजू वाले का? इसका 2500। इसका 2500, इसका 3000। तो काफ़ी सस्ता है। और वैसे मैं चाय पीने आया था तो मेरे को दुकान काफ़ी अच्छा लगा, भैया जी से पूछा तो बोले बनाओ, तो अभी चलते हैं बाजू वाले में। बाहर काफ़ी चेयर भी रखा है, तो चेयर का भी सही है वैसे। चलो आगे चलते। इधर तो पूरा सोफा का, वाओ सोफा, शोकेस, मंदिर सब। अरे कितना लंबा है। चलो अंदर, तो अंदर जाते धीरे धीरे। शोकेस लाइट वाला है ना? शोकेस लाइट वाला काफी अच्छा है, नीचे भी गेट वाला है। तो ये लाइट वाला शोकेस, वाओ लाइट इमेजिंग यार, ब्लू ग्रीन रेड काफी अच्छा है। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस भाई 13000 है। 13000 प्राइस इसका, 13000 में काफी अच्छा है यार। और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है। ओ क्या बात, लाइट भी अंदर। हां अंदर लाइट भी, काफी अच्छा है। वैसे भैया के पास बहुत ही ज्यादा फर्नीचर है, सोफा कम बेड, सोफा मंदिर बहुत टाइप का है। तो धीरे-धीरे देखते हैं सब हम लोग। ओहो क्या बात है, गजब। नीचे दो टीम जब एक से एक फर्नीचर वैसे आपके पास है। मैं इतना नहीं से यार, कितना बार आया इधर, बट फर्स्ट टाइम बनाया आपका। चलो ये ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल तो ज़्यादा, ये तो ऑफिस में ही काम आएगा वैसे। हाँ। तो ऑफिस वाला ले सकता है वैसे। ऑफिस टेबल का प्राइस क्या होगा वैसे? ये भाई 3500 का है। 3500 नीचे वाला सेम वही रेट है, 3500। ओके सब कबर्ड है ना? हाँ, दो डोर का, डबल डोर, डबल डोर। वाओ, ये भी कबर्ड है ना? हाँ ये इतना है, ये 3 डोर वाला है। ट्रिपल डोर, एक ट्रिपल डोर खोल के दिखाओ जरा, देखते हैं ट्रिपल डोर। वाह, इसके अंदर भी लॉक रहता है। हाँ डोर है, दो डोर रहता है।
इसके अंदर रहता है, इसके अंदर तिजोरी भी रहता है वो पैसा छुपाने के लिए पैसा या फिर कुछ भी हो, पर्सनल डायमंड रिंग वगैरह। डिजाइन तो डिजाइन भी काफी अच्छा है, बाजू में एक सादा सिंपल वाला है, सादा सिंपल इसको भी सादा कौन बोलेगा, ये भी तो काफी डिजाइन है, ज्यादा नहीं फिर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है वैसे, काफी लंबा है, मेरे को ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ये तो मेरी हाइट से काफी ज्यादा है, 8 फीट का है मेरा तो हाइट, जानते हाइट नहीं बता सकता। वाह ऊपर कपड़ा रखने के लिए काफी अच्छा है वैसे भी, 5x8। ये सब ये शोकेस का प्राइस कितना हुआ इसे कबर्ड का? 16,000 काफी अच्छा है, वैसा ही होगा ट्रिपल। ओहो गजब यार, आपके पास बहुत ही फर्नीचर है यार सच में, और आगे गद्दा है आपके। वैसे सोफा का वैसे रेट कितना हुआ है सबका भाई? इसका इसका ये सब चारों का सबका एक ही प्राइस है। कितना? 11,000 काफी अच्छा है। चलो आगे और ये सब सोफा का। ओहो ये भाई 25,000 का सोफा है, ये पूरा सेट है ना? सेट रहता है। ओ यार वो वाला वो से वही रेट है, वही रेट है। तो इसे दोनों में से कौन सा अच्छा लगा ज़्यादा गाइस कमेंट करके बताना। मुझे तो आई थिंक वो वाला अच्छा लगा है, बट आपको कौन सा लगा कमेंट करके बताना। ये सब क्या गद्दा? नहीं ये सब गद्दा है, इसमें सब अलग अलग साइज का है, 6x6, 6x6, 5x6, 4x6। हाँ अलग अलग बेड का अलग अलग साइज होगा ना, इसमें अलग अलग किस्म का भी गद्दा है, जैसे टेबल का जगह नहीं है। हाँ इतना आ रहे आपके दुकान में इतना फर्नीचर है तो क्या आप लोग, काफी वैसे बड़ा दुकान है, हर एक बेड के पीछे खोल के रखा रहता है। हाँ इतना दिखाएंगे तो रात हो जाएगा। इसका हैवी वाला है भाई, इसका गारंटी भी लेते हैं। ये तो सादा है ना वैसे, हैवी वाला हैवी। हाँ कलर भी अच्छा है सिल्वर। वाह हाँ इधर सब सोफा कम बेड है, 6x6 वाला सोफा कम बेड। सोफा कम बेड का वैसे प्राइस कितना होगा? ये 11,000 है। सबसे कम में कितना तक मिलेगा इसे? सबसे कम में वो लास्ट वाला है जो दो रखा है ना, हाँ वो 7,000 का है, 6x6 7,000 का। बाकी इधर सब महंगा है, 7,000 से लेके 15,000 तक हमारे पास सोफा। अब जिसको जो चाहिए वो ले सकता है ना, ले सकता है। हाँ तो कलर भी इसका काफी अच्छा है, ऑरेंज ए सॉरी येलो। ये देखो ट्रिपल डोर, वाओ ओपन करते समय तो काफी अच्छा लग रहा है वैसे, इसके नीचे डोर भी रहता है। हाँ उस सीक्रेट चीज रखने के लिए ना। चलो वाओ लॉक भी है, लॉक भी रहता है। चलो सही है, 25 के भी रहता है। तो मतलब उठाने के लिए दो तीन जन को लाना, चार आदमी चाहिए। तो हम और इधर एक स्लाइडिंग कबर्ड, स्लाइडिंग कबर्ड वाओ दैट्स माय फेवरेट। ये देखो स्लाइड, वैसे इसका प्राइस क्या होगा? लाइट भी है ना वैसे इसमें? क्या प्राइस भाई? 16,000 16,000 स्लाइडिंग में तो काफ़ी मुझे पसंद है, स्लाइडिंग कवर मुझे बहुत पसंद आता है वैसे। लॉकर ओहो गजब, ये किसको वैसे पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, चोरी लोग हाँ कुछ छुपा के रख सकते हैं। और इससे लाइटिंग, लाइट तो काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगाए हो यार, इधर जो भी लगाए हो इसे काफी अच्छा दिख रहा है इसे। इसे सब लाइट वाले का प्राइस क्या होगा भाई? ये 14,000 इसका। 14 माइक ट्राइपॉड कुछ भी नहीं लाया था, तो इसे मैं चाय पीने आया था, तो सोचा भैया को ब्लॉग शूट करते हैं, तो बिना माइक बिना ब्लॉग का अभी जैसा हो रहा है देखते हैं और आगे। बच्चा कौन है? बच्चा बैठा है, उसे ग्राहक होगा। ये सब 5x6 का टेबल है ना? 5x6 टेबल नहीं तो सोफा कम बेड है ना? सोफा कम बेड, सोफा कम बेड का लाइन ही लगा यार सोफा। वाव काफी अट्रैक्टिव है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है बैठ के देखते। वैसे स्पंज नहीं है वाला, लोन रहता है फोम रहता है, वो उल्टा रखा है भाई, वो उल्टा रखा है। हाँ क्योंकि कोई भी आके बैठता है ना। हाँ वैसे भी है, कोई भी मैं तो ये भी गिनती आता है कोई नहीं। चलो यार आगे देखते हैं सब। ये तो टेबल है ना? हाँ ये कपाट के ऊपर का है, कबाड़ के ऊपर का ढालिया। ये सिंगल है ना? अकेले में रख, सिंगल पे बैठ के मस्ती कर रहे वैसे। इसके तो इसके ये तो देख ही लिया हम लोग। ये सब 2x3, 2x4 सब का टेबल है ना? छोटा छोटा टेबल। सो एक काम करो, तुम सो ही जाओ यार, सो जाओ, मैं ब्लॉक बना के जाता हूँ घर पे। चलो
तो घूम लिया मैं काफ़ी, वैसे बहुत ही लंबा दुकान है तो घूमने में कितना टाइम चला गया कोई नहीं, काफ़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं काफ़ी जैसे मंदिर सोफा कम्बे टेबल हर टाइप का है वैसे इधर, तो हम लोग आए थे तो सोचा ब्लॉग करते थे, काफ़ी मज़ा आया। कॉन्टेक्ट नंबर दुकान का एड्रेस सब मैं लिंक में डाल दूँगा, कॉन्टेक्ट नंबर तो शो कर रहा है आपको, देख लीजिएगा। तो ऑर्डर करने के लिए वैसे कॉल पे ऑर्डर कर सकते हैं कुछ भी भाई, आना पड़ेगा इधर। हाँ देखने के लिए आना पड़ेगा ना, पेमेंट भाई इधर ही करना पड़ेगा उसके बाद सामान। हाँ मतलब अगर कोई मतलब कॉल करेगा तो एड्रेस तो आप बता सकते हो ना वैसे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस दुकान में, तो ये तो छोटा वाला बड़ा वाला उधर है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। आप लोग को भी कुछ भी खरीदना होगा तो उधर काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा मिल लगा मुझे, सोफ़ा का बेड मंदिर टेबल काफ़ी आइटम्स है, इतना आइटम्स है कि सबका नाम भी मुझे याद नहीं है, नाम भी बता नहीं सकता मैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस। आप कुछ भी लेना हो तो कॉन्टेक्ट कर लो। और फिर आज का तो ब्लॉग बहुत ही मज़ा आया मुझे, तो गाइस वीडियो करते एंड बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है अभी, हम मुझे तलोजा जाना तो लेट भी हो जाएगा, तो वीडियो करते एंड। आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट हो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।